नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे कॉन्सेप्ट डिकोडर के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आपको पता है कि मेरे द्वारा एमबीपी जो बीबीएससी बिहार पीएससी एई की परीक्षा होने वाली है 2024 में, संभावित है जो उसका जो पेपर थर्ड है, उसमें जो पेपर थर्ड है जिसको जीएस कहा जाता है, उसको लेकर मेरे द्वारा जो है आपको सारा कंटेंट प्रोवाइड करवाया जा रहा है। यूट्यूब पर अभी हमने बीपीएससी एई का जो 2020 का पेपर हुआ था उसको और 2019 का जो पेपर हुआ था उसको डिटेल सॉल्यूशन किया हुआ है। आप जाकर वहां पर विजिट कर सकते हैं। जब हमने वो पेपर विजिट किया है, उसको देखा है, तो उसका सार जो निकला है साहब वो ये है। क्या है सर उसका सार? उसका सार ये है कि जो 2019 की परीक्षा हुई थी बीपीएससी एई की और जो 2020 की बीपीएससी एई की परीक्षा हुई थी, उसमें जो जनरल स्टडी आई थी उसका वेटेज 50 नंबर का था। कितने क्वेश्चन आए थे साहब? 50 क्वेश्चन आए थे ना। 50 क्वेश्चन चूंकि पूछे गए थे, तो 50 क्वेश्चन में कौन कौन सी चीजें जो है वो हमें देखने को मिलती हैं, तो आप देखते हैं उसमें हमें साइंस देखने को मिलती है। मोस्ट प्रोबेबली यदि हम ये देखते हैं कि सबसे ज्यादा जो सब्जेक्ट पूछा गया है वो है हमारा सामान्य विज्ञान, जिसको हम जनरल साइंस कहते हैं। तो हमें साइंस से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो सारी बहुत अच्छे से देख लेनी है। 2019 की चर्चा करते हैं तो लगभग हमें 20 प्रश्न देखने को मिलते हैं, और वही 2020 की चर्चा करते हैं तो लगभग हमें 21, मतलब जो दायरा है वो 50 क्वेश्चन में भी लगभग जो है 40% के आसपास जा रहा है, मतलब लगभग 40% क्वेश्चन। और यही जो रेशियो है, यही रेशियो हमें 2018 के प्रीलिम्स में भी देखने को मिलता है। जो 18 तो 2018 बीपीएससी एई का पेपर हुआ था उसमें भी बिल्कुल यही जो रेशियो है वो हमें देखने को मिलता है। उसमें हालांकि हमें स्टैटिक थोड़ा ज्यादा देखने को मिलता है, लेकिन 2019 और 20 में जब आते हैं तो बीपीएससी एई ने स्टैटिक का पोर्शन थोड़ा सा कम कर दिया है। ठीक है, तो हम जो है जो इस बैच को हम स्टार्ट कर रहे हैं, और इस बैच में हम जनरल साइंस से ही स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि जो सबसे अच्छा हमें सब्जेक्ट पढ़ना है वो है हमारा जनरल साइंस। जनरल साइंस के बाद ही हम देखते हैं तो हमें करंट अफेयर देखने को मिलता है, लगभग 10 नंबर का 2019 में पूछा गया था, लगभग 10 नंबर का ही 2020 में भी पूछा गया। एक जो सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट निकल के आया है वो है हमारा कंप्यूटर। हालांकि बहुत अच्छा और बहुत ही मतलब ज्यादा कोई डीप में नहीं पूछा है, कुछ चुनिंदा हमें टॉपिक्स देखने को मिलते हैं, जैसे मेमोरी देखने को मिलता है, जैसे हमारे लिए आपका इंटरनेट वाला पोर्शन देखने को मिलता है, जैसे हमें हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर देखने को मिलती है ना, या फिर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर वाला चैप्टर देखने को मिलता है, उसी में हम ऑपरेटिंग सिस्टम भी पढ़ लेते हैं। कुछ चुनिंदा ही टॉपिक है जहां से कंप्यूटर के क्वेश्चन पूछे गए हैं। 10 नंबर का कंप्यूटर 2019 में पूछा गया था और लगभग 7 प्रश्न पूछे गए थे 2020 के बीपीएससी एई में। तो हम इसी जो आप क्रम देख रहे हैं, हम लगातार करंट अफेयर आपको इसी YouTube प्लेटफॉर्म पर प्रोवाइड करवाते जाएंगे, जिससे आपकी ये वाली तैयारी लगातार चलती रहे, क्योंकि करंट अफेयर जो है एक सतत प्रक्रिया है ना, कोई रुकने वाली प्रक्रिया नहीं है, वो एक क्या है, सतत प्रक्रिया है, और उसको हम कंटिन्यूअसली चलाएंगे। और उसके बाद कंप्यूटर बहुत अच्छे से देखेंगे। पॉलिटी से क्वेश्चन 2020 में पूछे गए हैं, हमें 19 में एक आधा क्वेश्चन देखने को मिलता है। हिस्ट्री से यदि हम बात करते हैं तो एक आधा क्वेश्चन देखने को मिलता है, लेकिन इकोनॉमिक्स जो है वो हमें बहुत प्रैक्टिकल इकोनॉमिक्स, जैसे हम कहेंगे बेसिक फीचर ऑफ इकोनॉमिक्स क्या होता है, हम क्या खरीदेंगे, कैसे बेचेंगे, ये सारी चीजें बेसिक, मंदी क्या है, एक बार 2020 की बीपीएससी ए में पूछा गया था कि रिसेशन क्या है ना, फिर स्टैटिक में एक दो क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं। इस तरह से हमारा जो पैटर्न है वो चलता है पेपर थर्ड जनरल स्टडी का। स्टार्ट करते हैं आज के चैप्टर को, हम स्टार्ट कर रहे हैं फिजिक्स से, क्योंकि हमने देखा है ना, जब हमने एनालिसिस किया था डिटेल एनालिसिस, तो 2019 और 2020 दोनों ही पेपर में फिजिक्स का जो हम ये कहें कि वेटेज है वो बहुत ज्यादा है। और फिजिक्स में भी यदि हम बात करते हैं तो लाइट वाला जो चैप्टर है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है महत्वपूर्ण रखता है, अपना स्थान रखता है, इसीलिए हमने लाइट के चैप्टर से ही स्टार्ट किया है। हालांकि लाइट चैप्टर जो है थोड़ा सा बड़ा है एज कम्पेयर टू अदर चैप्टर, यदि हम अदर चैप्टर से कंपेयर करते हैं थोड़ा सा हमें लेंदी लगेगा, लेकिन लाइट एक ऐसा सब्जेक्ट है, ऐसा चैप्टर है सॉरी, है ना, ऐसा चैप्टर है जहां से श्योर शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं और आपसे बनेंगे, इसमें कोई डाउट की बात नहीं है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं लाइट वाले चैप्टर से।
ठीक है। सबसे पहले हमें आप ये बताना है, देखो बायलैंग्वेल रहेगा आपको, बिल्कुल नो डाउट, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएगी, इसकी पीडीएफ हमारे आपको एप्लीकेशन पर भी जाकर डाउनलोड कर सकते हैं आसानी से, कोई भी इसका इशू नहीं है, ठीक है। अब हम देखें यदि, तो लाइट एक्चुअली है क्या? लाइट मतलब हिंदी में यदि हम इसको कहें तो प्रकाश कहते हैं, और प्रकाश जो होता है एक वेव होती है। वेव मतलब क्या होता है? एक तरंग होती है, हिंदी इंग्लिश है। व्हाट आर वेव्स? तो सबसे पहले हम बात करते हैं लाइट क्या है। प्रकाश एक तरंग के रूप में गमन करता है, इट जो है इट गेट ऑफ द, जो ये लाइट जो होती है वो वेव की फॉर्म में ट्रांसमिट होती है। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा देखेंगे वेव के बारे में। वेव क्या है? तो आप वेव ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन और एनर्जी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, है ना, फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इन द फॉर्म ऑफ सिग्नल। के सिग्नल के फॉर्म में जो इंफॉर्मेशन होती है या ऊर्जा होती है उसको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफर करती है, ठीक है। ये तो जनरली हम आपको परिभाषा के रूप में बता रहे हैं, इसका कोई आपका एक पेपर से लेने देना नहीं है। हमें केवल इतना याद रखना है कि जो प्रकाश है एक तरंग के रूप में गमन करता है, एक वेव के रूप में गमन करता है, ठीक है। फिर हम आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि जो तरंग होती है ये दो टाइप की होती है, या हम ये कहें ऑन द बेसिस, आधार यदि हम देखें बेस के आधार पर हम दो प्रकार की तरंग पढ़ते हैं, एक तो मीडियम के आधार पर और दूसरा जो होता है मीडियम में, माध्यम में जो पार्टिकल्स होते हैं उनके वाइब्रेशन के आधार पर, ठीक है। अभी हम दो प्रकार की वेव्स को पढ़ेंगे, एक को हम कह रहे हैं केमिकल मैकेनिकल वेव्स और दूसरे को कह रहा है नॉन मैकेनिकल वेव्स, ठीक है। तो अभी हम क्या कह रहे हैं? यांत्रिक तरंगें, इनको हम कहते हैं मैकेनिकल वेव्स। ये क्वेश्चन बीपीएससीए 2020 में पूछा गया था, है ना। हालांकि मैकेनिकल वेव्स के बारे में नहीं पूछा गया था, नॉन मैकेनिकल वेव्स के बारे में पूछा गया था। यांत्रिक तरंगों को इंग्लिश में मैकेनिकल वेव्स कहा जाता है, और विद्युत चुंबकीय तरंगें इनको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी कहते हैं। ये एक प्रकार की नॉन मैकेनिकल वेव्स होती हैं। तो ये आप यदि तीन पढ़ लेते हैं, है ना, डिफरेंसेस जो है इसमें ही सारी चीजें बिल्कुल आसानी से क्लियर हो जाएंगी। जैसा मैकेनिकल वेव के बारे में यदि हम चर्चा करते हैं, तो मैकेनिकल वेव्स आर द वेव्स दैट नीड अ मीडियम फॉर प्रोपोगेशन। यदि हमें, या फिर हम ये कहें ऐसी तरंगें जिन्हें गमन करने के लिए, जिन्हें चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, उनको हम मैकेनिकल वेव कहते हैं। इसी के उल्टा यदि किसी को माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, माध्यम का मतलब होता है वो चाहे जल हो, आकाश हो, है ना, वायु हो, कहीं पर भी वो गमन कर सकती हैं, ऐसी वेव्स कहलाती हैं नॉन मैकेनिकल वेव्स। इट विल बी प्रोपोगेट इन वैक्यूम ऑल्सो, इसको हम कह सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यदि हम बात करते हैं मैकेनिकल वेव्स वे हैं जिन्हें गमन करने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, पहली चीज। दूसरी चीज साउंड वेव्स मतलब ध्वनि तरंगें, सॉरी वाटर वेव्स मतलब समुद्र के नीचे जो तरंगें चलती हैं वो, और सीस्मिक वेव्स मतलब धरती के नीचे जो भूकंप तरंगियां तरंगें जो होती हैं, आर द एग्जांपल ऑफ मैकेनिकल वेव्स। मतलब इन्हें गमन करने के लिए किसी ना किसी हमें माध्यम की आवश्यकता होती है। मतलब आपने देखा होगा जहां माध्यम नहीं होता है, जहां मीडियम नहीं होती है, वहां हमें साउंड सुनाई नहीं देता है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, तीसरे नंबर पर मैकेनिकल वेव्स कांट ट्रेवल थ्रू द वैक्यूम, मतलब ये निर्वात में गमन नहीं कर सकती है। निर्वात का मतलब क्या होता है? वैक्यूम का मतलब वो होता है जहां ना अग्नि हो, जल हो, वायु कुछ भी ना हो, वहां पर क्या होता है उसको हम निर्वात कहते हैं, वैक्यूम कहते हैं। तो नॉन मैकेनिकल वेव्स वैक्यूम में भी ट्रेवल कर देती हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, ये विद्युत चुंबकीय तरंगें कहलाती हैं, आर द एग्जांपल ऑफ नॉन मैकेनिकल वेव्स, ठीक है ना। मैकेनिकल वेव्स के एग्जांपल साउंड वेव्स है, वाटर वेव्स है, सीस्मिक वेव्स है, जबकि नॉन मैकेनिकल वेव्स के एग्जांपल है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का जो चैप्टर है ये सब चैप्टर ये अलग से पढ़ना होता है हमें। ये हम जब साउंड वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो हम उसको डिटेल में बताएंगे। साउंड साउंड की तरंग जो होती है, साउंड वेव्स होती हैं, उनको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, और उन्हीं के साथ पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वास्तव में विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं। इन्हें लगभग 5 से 6 से 7 फॉर्म में डिफाइन किया गया है। जैसे सबसे पहले गामा किरणें होती हैं, है ना, इसके बाद आपकी आती है एक्स किरणें, एक्स रेज इनको कहते हैं, उसके बाद आपको अल्ट्रावायलेट मिलेंगी, परावैगनी किरणें,
ठीक है। परावैगनिकरण के बारे में हम बात करते हैं तो आपको मिलेगा अवरक्त प्रकाश, है ना, अवरक्त प्रकाश मिल जाएगा। अवरक्त प्रकाश के नीचे जाओगे तो दृश्य प्रकाश, लाइट वेव जिसको हम देख पाते हैं, और एक होता है आपका लघु रेडियो तरंगे, और एक होता है दीर्घ रेडियो तरंगे आ जाती हैं। तो जो रेडियो जो ये होता है विजुअल लाइट होती है, दृश्य प्रकाश होता है ना, इसके ऊपर की जो वेव्स होती है वो भी हमें दिखाई नहीं देती है, और इसके नीचे वाली वेव्स भी हमें दिखाई नहीं देती हैं। ठीक है, मतलब गामा रेज, एक्स रेज, परावैगनिकरण, अवरक्त प्रकाश, ये एक प्रकार के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं जो कि वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकती हैं। ठीक है, तो ये नॉन मैकेनिकल वेव्स के बारे में चूंकि पूछा जा चुका है तो इसके बारे में थोड़ा सा हमें अच्छे से याद कर लेना है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमने बताया था वेव्स दो प्रकार की होती है, एक तो मीडियम के आधार पर ऐसी तरंगे जिन्हें ट्रेवल करने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, मैकेनिकल वेव्स कहलाती हैं, जिन्हें गमन करने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है वो नॉन मैकेनिकल वेव्स कहलाती हैं। ठीक है सर, एक होती है माध्यम के कणों के कंपन के आधार पर, मतलब जो पार्टिकल्स होते हैं मीडियम के, द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम ऑन द बेसिस, है ना, उनके बेस पर, है ना, हमने दो प्रकार की तरंगों में बांटा है, एक कहलाती है ट्रांसवर्स, है ना, वेव्स, एंड एक कहलाती है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। ठीक है, इनमें केवल आपको एक जो है बेसिक डिफरेंस जो आपको याद रखना है, जो एग्जामिनर आपसे एग्जाम कर सकता है, इसको आपको एग्जामिन कर सकता है, वो कहलाता है परपेंडिकुलर। आपको दो चीजें बस याद रखनी है, क्योंकि इसमें पा है, देखो अनुप्रस्थ में पा है और पा से ही आपको बनाना है परपेंडिकुलर। इसी तरह से लॉन्गिट्यूडनल में ये आता है पैरेलल। अब आप उसको पूरा पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। इन दिस द डायरेक्शन ऑफ द मूवमेंट ऑफ द वेव, मतलब जो वेव की मूवमेंट होती है, जो तरंग की मूव करने की दिशा होती है, परपेंडिकुलर होती है टू द डायरेक्शन ऑफ द वाइब्रेशन ऑफ द पार्टिकल ऑफ द मीडियम, है ना, पार्टिकल ऑफ द, है ना, पार्टिकल ऑफ द मीडियम, माध्यम के जो कण होते हैं उनके वाइब्रेशन करने की दिशा के परपेंडिकुलर होती है अनुप्रस्थ ट्रांसवर्स वेव्स, और अनुदैर्ध्य तरंगे ये होती हैं पैरेलल। तो अनुदैर्ध्य तरंगे जो होती हैं यानी जो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं ये होती हैं साउंड वेव्स। तो आपको याद रखना है साउंड वेव्स एक प्रकार की मैकेनिकल वेव्स हैं, उस वाले पार्टीशन में यदि हम बात कर रहे हैं, और इस आधार पर यदि हम बात कर रहे हैं तो दे आर द लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। ठीक है, वही लाइट के बारे में भी हम बात करते हैं तो लाइट, चूंकि हम चैप्टर ही पढ़ रहे हैं, तो लाइट जो है एक प्रकार की ट्रांसवर्स वेव्स है इस आधार पर, और यदि इस आधार पर देखें तो नॉन मैकेनिकल वेव्स है, बिकॉज क्योंकि लाइट जो है इट लाइट ट्रेवल ऑल्सो इन वैक्यूम, वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकता है, इसीलिए लाइट जो है एक नॉन मैकेनिकल वेव है। तो याद रखना लाइट क्या है, एक नॉन मैकेनिकल वेव है, क्योंकि इसको ट्रेवल करने की इनको ट्रेवल करने के लिए, है ना, माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। वही इस आधार पर देखें तो ये लाइट जो है एक ट्रांसवर्स वेव्स है। ठीक है, क्योंकि द डायरेक्शन ऑफ द मूवमेंट ऑफ द वेव, मतलब लाइट की जो मूव करने की दिशा होती है वो परपेंडिकुलर होती है पार्टिकल के, है ना, वाइब्रेट करने के। ठीक है, ये हम थोड़ा सा और आगे अच्छे डिटेल में समझेंगे, और हालांकि ये जो हम आपको बता रहे हैं कि ज्यादा डिटेल में हालांकि साइंस पढ़ना नहीं है, जनरल साइंस ही पूछा जाता है, लेकिन कई बार स्टेटमेंट्स के क्वेश्चन पूछे गए हैं। आपने यदि देखा है मेरा लेक्चर, आपने देखा होगा कि उसमें स्टेटमेंट पूछे गए हैं, तो स्टेटमेंट में कभी कभी हमें समस्या होती है, तो हमें याद रखना है उसके बारे में कि और भी चीजें उसमें स्टेटमेंट में पूछी जा सकती हैं। लाइट पढ़ने से पहले हमें तीन अलग अलग चीजें पढ़नी होती हैं, एक कहलाता है वेवलेंथ, एक क्या कहलाता है वेवलेंथ, एक कहलाता है फ्रीक्वेंसी, और तीसरे नंबर पर है एम्पलीट्यूड। ठीक है, अब हमें तीन चीजें पढ़नी होती हैं, एक को कहते हैं वेवलेंथ। तो ये तो नाम से ही पता चल रहा है कि वेव की लेंथ, तरंग जा रही है, तरंग हमेशा ऐसे गमन करेगी, है ना, तो उसको जो लेंथ होती है उसकी जो वेव की लेंथ वेवलेंथ कहलाएगी। जैसे आपको इसमें दिख रहा है कि यदि कोई तरंग है ना, जो किस तरह से इस तरह से जो है वो क्या कर रही है, गमन कर रही है, तो उसकी जो एक, देखो ये ऊपर गई और फिर ये नीचे आई, तो ये जो इसकी है ये इसकी क्या है, पूरी एक लेंथ हो जाएगी, जिसमें उसने हाफ एम्पलीट्यूड पूरा किया और फिर नीचे का भी एम्पलीट्यूड पूरा किया, उसको मिला देंगे तो उसको एक लेंथ कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, एक लेंथ कहते हैं। और एक सेकंड में, देखो ये तो हो गई वेवलेंथ, इसको मीटर में या इसका एसआई यूनिट यदि हम बात करते हैं तो इसकी एसआई यूनिट होती है एंगस्ट्रॉम। क्या होती है, एंगस्ट्रॉम होती है, इसको A0 से डिनोट किया जाता है, याद रखना है।
फ्रीक्वेंसी के बारे में भी हम बात करते हैं, तो ये जो ये आप देख रहे हैं ये तरंग जो बह रही है, एक सेकंड में जितने ऑक्सीलेट कर लेती है, जितनी बार ऐसा ऐसा कर लेगी एक सेकंड में, वो उसकी फ्रीक्वेंसी होती है, इसकी ऐसा यूनिट होती है हर्ट्ज। इसकी ऐसा यूनिट क्या होती है, इसको हर्ट्ज में मापते हैं। वही एम्पलीट्यूड क्या कहलाता है, आवृत्ति। देखो ये तो हो गई तरंग दैर्ध्य, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, आवृत्ति, और एम्पलीट्यूड को कहते हैं आयाम। क्या कहते हैं, आयाम कहते हैं, ठीक है। तो आयाम क्या होता है, जब भी कोई रेस ऐसा ऐसी घूमती है तो एक डायरेक्शन में उसने जितना स्पान किया है उसकी डिस्टेंस को क्या, देखो क्या लिखा है, इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट और द डिस्टेंस मूव्ड बाय अ पॉइंट ऑन अ वाइब्रेटिंग बॉडी और वेव मेजर्ड फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम पोजिशन। बीच में से इसने कितना जो है ये एक तरफ एक्सटेंड किया है, एक तरफ एक्सटेंड किया है, वही क्या कहलाता है, उसका आयाम कहलाता है, ठीक है। तो इसको आप समझ सकते हो, ये तीन चीजें हम बार बार बताएंगे, एम्पलीट्यूड क्या होता है, वेवलेंथ क्या होता है, फ्रिक्वेंसी क्या होती है। फ्रिक्वेंसी बढ़ेगी तो वेवलेंथ घटेगी, वेवलेंथ बढ़ेगी तो फ्रिक्वेंसी घटेगी। देखो क्या होता है, आप इसमें देख पा रहे होंगे कि जब ये वेवलेंथ बढ़ाएगा, जब ये देखो वेवलेंथ बढ़ाएगा, बढ़ा रहा है, ये कम कर रहा है, सॉरी ये इस साइड कर रहा है, तो ये छोटी होती जा रही है। यदि ये छोटी होती जा रही है मतलब ऑस्किलेशन जो रेट है वो बढ़ रहा है, तो वेवलेंथ जितनी बड़ी होगी, फ्रिक्वेंसी और वेवलेंथ में क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोगेट होते हैं। जितनी बड़ी वेवलेंथ होती है ना, देखो इसको इस तरह समझ सकते हैं अपन, ये बहुत बेसिक फीचर है, इसलिए चूंकि आपसे पूछा जा सकता है। जैसे मान के चलो इसकी कोई लेंथ बहुत बड़ी है, तो इसको ऑसिलेट एक दोलन करने में ज्यादा समय लगेगा, मतलब फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो जाएगी, कम हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी कम मतलब कम ऑसिलेट कर पाएगा, है ना। तो क्या होता है, वेवलेंथ ज्यादा तो फ्रीक्वेंसी कम, और फ्रीक्वेंसी ज्यादा तो फिर वेवलेंथ छोटी हो जाएगी, ठीक है। इसको इस तरह से भी समझ सकते हो कि यदि छोटी वेवलेंथ होती, ऐसी होती मान के चलो, तो ये ज्यादा ऑसिलेट कर पाता है एक सेकंड में, तो जितनी छोटी वेवलेंथ उतना ज्यादा ऑस्किलेशन, और जितने ज्यादा ऑस्किलेशन उतनी ज्यादा आवृत्ति, उतनी ज्यादा फ्रिक्वेंसी, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं जो लाइट होता है, जो लाइट मतलब प्रकाश है, उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक, उसकी कुछ विशेषताएं होती हैं। जैसे क्या होता है, लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, अभी हम बता चुके हैं कि इसको हम नॉन मैकेनिकल वेव भी कहेंगे। ठीक है, लाइट कैन ऑल्सो ट्रेवल वैक्यूम, ये दो पॉइंट आपको स्पेशली याद रखने हैं कि लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव व्हिच इज ऑल्सो कॉल्ड नॉन मैकेनिकल वेव। देन थर्ड, लाइट कैन ऑल्सो ट्रेवल थ्रू द वैक्यूम, वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकती है। लाइट ट्रेवल्स विदाउट अ मीडियम सिंस इट्स ट्रेवल्स, है ना, मतलब मीडियम की आवश्यकता हमें नहीं होती है। सबसे ज्यादा जो है वैक्यूम मतलब निर्वात में ही गमन करती है प्रकाश, जिसकी स्पीड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। इन द यूनिवर्स लाइट मूव्स द फास्टेस्ट, प्रकाश जो होता है हमारे ब्रह्मांड में सबसे तेजी से गमन करता है, ट्रेवल करता है सबसे तेजी से, और यदि माध्यम पूछ ले तो सबसे ज्यादा ट्रेवल करता है, सबसे तेजी से जो ट्रेवल करता है वो करता है वैक्यूम में, ठीक है। व्हेन एन ऑब्क्यूएट आइटम ब्लॉक, है ना, जब कोई लाइट को छेड़ता है, लाइट सोर्स जब भी प्रकाश आ रहा है, यदि प्रकाश को कोई रोकने की प्रयास करता है तो फिर क्या बनती है, शेडो बनती है, छाया बनती है। तो ये स्टेटमेंट इसमें पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, पूछा सकता है। तो आपको ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक है, लाइट एक नॉन मैकेनिकल वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी कहते हैं उसको, वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकती है, वैक्यूम में उसका जो स्पीड होती है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। अब हम कुछ प्रिंसिपल पढ़ेंगे लाइट के बारे में, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है, हम पहले बता चुके हैं, है ना, क्योंकि आपको बेसिक जो लेकिन है चीजें वो आपको बहुत अच्छे से रीड करनी है, कम पढ़ना है लेकिन बहुत अच्छे से पढ़ना है ना, समझ रहे, ताकि जो स्टेटमेंट वगैरह क्वेश्चन आए तो वो आपसे गलत ना हो। 4 से 5 जो प्रिंसिपल्स हैं वो हमें लाइट के रिगार्डिंग देखने को मिलते हैं। पहला जो है वो हमें देखने को मिलता है वेव थ्योरी ऑफ लाइट, प्रकाश का तरंग सिद्धांत, सर जर्मन वैज्ञानिक हाइगन के द्वारा सन 1678 में प्रकाश का तरंग सिद्धांत जो है वो प्रतिपादित किया गया था, मतलब डेवलप किया गया था, मतलब विकसित किया गया था, जिसमें ये कहा गया था कि जो लाइट है वो एक वेव के फॉर्म में ट्रेवल करती है,
बहुत सिंपल, कोई दिक्कत की बात नहीं है, केवल इतना सभी पांचों जो थ्योरी है, पांचों प्रिंसिपल जो है वो किसने दिए हैं और उससे संबंधित क्या कोई विशेष चीज है, और इतनी चीजें बस याद रखनी है। जैसे जैसे यदि हम बात करें एमपी बीपीएससी एई, बीपीएससी एई 2020, बीपीएससी 2020 में पूछा गया था कि 1921 में अल्बर्ट आइंस्टीन को फिजिक्स का नोबल दिया गया था, वो किस चीज के लिए दिया गया था, किसकी खोज, किसके डिस्कवर्ड के लिए दिया गया था। तो ये जो क्वेश्चन है वास्तव में ये इसी टाइप के क्वेश्चन है, प्रिंसिपल ऑफ लाइट के क्वेश्चन है। तो प्रकाश विद्युत प्रभाव हम देख लेते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है ये डेवलप किया था अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा, और इसी की व्याख्या के लिए उन्हें 1921 में नोबल। अच्छा ये नहीं है कि जैसे आपके पेपर में पूछा गया है तो ही मैं पढ़ा रहा हूं, मैं जब से साइंस पढ़ा रहा हूं तब से ये मेरी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन रहती है कि यही हमारा क्रम चलता है, पहले लाइट क्या है ना, लाइट की वेवलेंथ, एम्पलीट्यूड, वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी क्या है, फिर कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक जो है वो लाइट की है, और फिर प्रिंसिपल्स हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो यहीं से क्वेश्चन कहीं से नहीं बनते हैं, बस आप बहुत अच्छे से पढ़ते हैं तो आपको बन जाएगा। ठीक है, उसने ये बताया था अल्बर्ट आइंस्टीन ने कि जब भी प्रकाश की किरण, जब भी कोई प्रकाश की किरण किसी सतह से टकराती है तो इसमें जो एनर्जी होती है वो छोड़ दी जाती है ना, क्या करती है, यहां पर छोड़ देती है, फिर वो एनर्जी जो है, देखो देखा होगा ना, धूप में आप कांच को रख दो, आप किसी चीज को रख देते हो तो वो भी गर्म हो जाता है, तो कहीं ना कहीं वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के कारण ही होता है। ठीक है, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा दिया गया था जिसके कारण ही उन्हें 1921 में नोबेल पुरस्कार सम्मानित किया गया, और आप बीपीएससी एई 2020 का पेपर देख सकते हो, मैं मन से नहीं बता रहा हूं। ठीक है, प्रकाश का कणिका सिद्धांत, तो यदि 20 में ना मिले तो 19 में भी देख लेना। पार्टिकल थ्योरी ऑफ लाइट, अब ये तो ये जो है वो कुछ लोग ये कहते हैं कि हमारे जो भारत के महर्षि कणाद हुए थे, हालांकि वो कहते गलत नहीं है, सही कहते हैं, जो कण की कल्पना है, जैसे जिसको हम एटम कहते हैं आज के समय में, किसी भी वस्तु का सबसे छोटा अभिन्न जो खंड होता है उसको हम एटम कहते हैं, परमाणु कहते हैं, उसकी व्याख्या पहले महर्षि कणाद के द्वारा भारत भारत में दे दी गई थी, इसको कण कहा गया था। प्रकाश का जो एक्चुअली जो पार्टिकल थ्योरी है साइंटिस्ट वाली, वो न्यूटन के द्वारा दी गई थी, किसके द्वारा दी गई थी, न्यूटन के द्वारा दी गई थी, है ना, और ये बताया गया था कि प्रदीप्त वस्तु में से प्रकाश अत्यंत सूक्ष्म एवं तीव्र गति, सीधी सी बात है, कण के रूप में जो है, जो पार्टिकल होता है, उस एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल, दूसरा पार्टिकल तीसरे पार्टिकल पार्टिकल को एनर्जी प्रोड्यूस करता है, और इस तरह से जो प्रकाश है वो अपने आगे बढ़ता जाता है, ये कहता है प्रकाश का कड़ी का सिद्धांत। और आगे बढ़ते हैं, फिर है प्रकाश का विद्युत चुंबकीय, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ऑफ लाइट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के बारे में हम बात करें तो इसकी खोज मैक्सवेल के द्वारा की गई थी, जिसमें यह बताया गया था कि जो लाइट है वो इलेक्ट्रिक मतलब विद्युत और मैग्नेट मतलब चुंबकीय बलों के कारण भी जो है वो गमन करता है, और इन दोनों फोर्सेस को बहुत ज्यादा इफेक्ट भी करता है। और पांचवा सिद्धांत जो बहुत इंपॉर्टेंट है प्रकाश का, क्वांटम थ्योरी, विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन करंट सिचुएशन, आज यदि हम बात करते हैं वर्तमान में यदि जो रिसर्च चल रही है उसमें सबसे ज्यादा यदि किसी चीज का योगदान है तो वो क्वांटम थ्योरी का ही है। क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसका डेवलपमेंट प्लैंक के द्वारा किया गया था 1900 एडी में, और इसमें यह कहा गया था कि प्रकाश के छोटे छोटे पैकेट होते हैं, बंडल होते हैं, लाइट के छोटे छोटे बंडल होते हैं जिन्हें फोटोन कहा जाता है, फोटोन नहीं है ये फोटोन है, जिन्हें क्या कहा जाता है, फोटोन कहा जाता है, और जो कण होता है प्रकाश का वो फोटोन के फॉर्म में ही ऊर्जा गमन करता है। तो ये आपको याद रखना है कि प्रकाश के जो लाइट के छोटे छोटे पैकेट होते हैं, बंडल होते हैं, उनको फोटोन कहा जाता है, फोटोन के रूप में ही एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में लाइट जो है वो ट्रेवल करती है। अब हम अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, अगला पॉइंट है हमारा स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट के बारे में आपको थोड़ा सा आपको बताना याद रखना है, जनरली आपसे एग्जामिनर ये फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन, इसमें हम ज्यादा समझाने का प्रयास नहीं करेंगे, सीधा आपको याद रख लेना है कि लाइट जो है स्पीड की, उसका डेवलपमेंट रोमर के द्वारा किया गया था। पहली चीज तो ये कि रोमर के द्वारा सबसे पहले लाइट को मेजर किया गया, लाइट स्पीड की, लाइट को, ठीक है, लाइट की स्पीड को, इसको सी से डिनोट किया जाता है, और ये कुछ मीडियम है जिन मीडियम के बारे में कहीं ना कहीं आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। मुझे याद आ रहा है बीपीएससी ए
2020 है या देखो कभी मैं यदि बोलूं आपसे कि बीपीएससी एई 2020 के थर्ड जीएस थर्ड में पूछा गया था, तो यदि आपको बीपीएससी एई 2020 में नहीं मिलता है तो एक बार 2019 देख लेना है, मगर वो 19 और 20 दोनों में से किसी ना किसी एक में जरूर पूछा गया है, ये सुनिश्चित है। ठीक है, तो बीपीएससी एई 2020 में पूछा गया है कि इनमें से किस में, चार ऑप्शन थे आपके, उनमें से किस में स्पीड ऑफ लाइट मिनिमम होगी, समझ रहे हैं? तो हमें दो तीन चीजें यहां पर पढ़नी है। एक तो स्पीड ऑफ लाइट डिपेंड काय पर करती है, तो स्पीड ऑफ लाइट जो डिपेंड करती है वो करती है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर, काय पर करती है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसको हम हिंदी में अपवर्तनांक कहते हैं। ये हम अभी नहीं पढ़ेंगे, ये बाद में पढ़ेंगे। यदि हम बात करते हैं स्पीड ऑफ लाइट की, तो स्पीड ऑफ लाइट जो है ये अपवर्तनांक पर निर्भर करती है। अभी हम कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन पढ़ लेते हैं। जैसे जैसे स्पीड ऑफ लाइट जो होती है वो मैक्सिमम होती है वैक्यूम में निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, उससे कम पानी में होती है 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, कांच में होती है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, फिर रॉक सॉल्ट में, फिर नाइलॉन में सेम, और फिर तानी 86 नहीं है, ये 8 है, 80 रहेगा, ठीक है, तारपीन के तेल में। ये लिखा है स्पीड ऑफ लाइट डिपेंड्स ऑन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा स्पीड ऑफ लाइट उतनी कम होगी। उस क्वेश्चन में और जो ऑप्शन था वो डायमंड था, क्योंकि डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हाईएस्ट होता है, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है हीरे का, वो हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में भी पढ़ेंगे। तो ये चीजें स्पीड ऑफ लाइट और उसने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को मिला के ये क्वेश्चन पूछ लिया था। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के इनवर्सली प्रपोगेट होता है हीरे, डायमंड का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है चूंकि हाईएस्ट होता है, वो हम अभी आगे पढ़ने वाले हैं, इसलिए स्पीड ऑफ लाइट उसमें सबसे कम होती है, तो उसका आंसर स्पीड ऑफ हीरा था। ठीक है, तो ये हम आगे पढ़ेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में। अब हम पढ़ लेते हैं पहली प्रॉपर्टी प्रकाश के बारे में, लाइट के बारे में। यहां से अब एक बार हम आपको बता देते हैं। सबसे पहले हमें आपको रिफ्लेक्शन पढ़ना है। क्या पढ़ना है? रिफ्लेक्शन मतलब परावर्तन। उसके बाद हम अपवर्तन पढ़ेंगे, उसके बाद आपका वर्ण का विक्षेपण पढ़ेंगे मतलब स्कैटरिंग पढ़ेंगे, प्रकाश का प्रकीर्णन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे, पूर्ण आंतरिक परावर्तन जिसको हम कहते हैं, उसके बाद आपका पोलराइजेशन वगैरह यदि होता है तो वो पढ़ेंगे, और ये सारे जो प्रॉपर्टीज लाइट की है जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में पढ़ेंगे, वो सारे पढ़ने वाले हैं। इस कड़ी की शुरुआत होती है प्रकाश के परावर्तन से, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से। प्रकाश का परावर्तन बहुत सिंपल है, ये कोई ज्यादा समझने वाली बात नहीं है। कोई भी एक मिरर है या फिर कोई सॉलिड चीज है ना, यदि कोई भी रेज मतलब प्रकाश किरण इस साइड से ऐसी आती है तो वो समतल से टकराकर वापस माध्यम में लौट जाती है, तो उसको जो है परावर्तन कहते हैं। यदि यदि मान के चलो प्रकाश किरण मुझसे टकराती है तो ऐसे ही लौटेगी, मेरे अंदर से नहीं जाएगी, वो एक्सरेज होती है, नॉर्मल लाइट के बारे में बात कर रहे हैं हम, ठीक है, या फिर इस है ना पोडियम से टकराकर वापस लौट जाती है। तो चूंकि एक ही माध्यम में ये सारी चीजें होती है, तो यही जो है आगे रूल्स बन जाते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये जो बीच में बनता है इसको नॉर्मल कहा जाता है, हिंदी माध्यम के विद्यार्थी इसको अभिलंब कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको अभिलंब कहते हैं। इंग्लिश भाषा के विद्यार्थी इसको नॉर्मल कहते हैं। और तो जब इसको नॉर्मल कर देते हैं तो ये वाला जो इंसिडेंट है जो आप देख पा रहे हैं, ये वाला जो कोण है, ये वाला जो एंगल है इसको एंगल ऑफ इंसिडेंट कहा जाता है, और ये वाला जो एंगल है ये कहलाता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इसको आर से डिनोट करते हैं। और ये जो आई होता है, एंगल आई इज ऑलवेज इक्वल टू आर होता है इन द कंडीशन ऑफ रिफ्लेक्शन, यदि सिमेट्रिकल रिफ्लेक्शन होता है, वो हम आगे पढ़ने वाले हैं, समझ गए। देन है ना जी लॉ है, दो लॉ है आपको हम पहले बता चुके हैं कि जो इंसिडेंट रे होती है ये आई इंसिडेंट रे, नॉर्मल जो अभिलंब है हमारा, और रिफ्लेक्टेड रे, ये तीनों एक ही प्लेन में होते हैं, अभी इसमें प्लेन चेंज नहीं हुआ है। यदि किरण यहां से आई है तो यहां चली जाएगी, मतलब ये आई थी जिस माध्यम में, जिस मीडियम से आई थी उसी मीडियम में ये वापस भी चली गई है, तो एक ही प्लेन में है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। दूसरे नंबर पर उसने बताया है एंगल ऑफ इंसिडेंस और रिफ्लेक्शन एंगल दोनों बराबर होते हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब हम आगे पढ़ने वाले हैं, आगे जो लिखा हुआ, हालांकि ये आपको याद कर लेना है,
आप हालांकि आप प्रैक्टिकली देख रहे हैं तो ज्यादा दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन ऐसा एग्जामिनर पूछ सकता है, ठीक है। अब यदि रिफ्लेक्शन के बारे में हम बात करते हैं तो इसके भी दो टाइप होते हैं, एक होता है सिमेट्रिकल, इसको रेगुलर रिफ्लेक्शन कहते हैं, और एक होता है असिमेट्रिकल, जिसको डिफ्यूज रिफ्लेक्शन भी कहते हैं। जब प्रकाश किरण आती है एक सेम वे में, तो ये सेम वे में क्या होती है, रिफ्लेक्ट होती है, इसको सिमेट्रिकल या फिर रेगुलर रिफ्लेक्शन कहते हैं। लेकिन यदि कोई आड़े टेढ़े वे में आ रही है ना, जैसे ये आ तो आड़े है ना, इसको यहाँ प्लेन चेंज हो रहा है, इसको ऐसा ऐसा मिल रहा है, तो फिर ये क्या होती है, रिफ्लेक्ट, अलग पर कौन इनमें वो हो जाता है, एक दूसरे को काटने लगती हैं, बाइसेक्ट करने लगती हैं, तो उसको डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन कहते हैं, है ना। मतलब एक ही फॉर्म में जाती है यदि तो उसको रेगुलर कहते हैं, और यदि काटने लगते हैं एक दूसरे को तो फिर वो डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन कहलाता है, ठीक है। जनरली है ना, आपको केवल नॉलेज के लिए हम आपको बता रहे हैं। अब जो रिफ्लेक्शन होता है वो दो वे में होता है, आपको याद रखना है, रिफ्लेक्शन जो होता है वो दो वे में होता है, या तो समतल दर्पण में होगा, मतलब प्लेन मिरर में, यहां से क्वेश्चन आपको पूछे जाने की संभावना ज्यादा हो जाती है, समझ रहे हैं। एक तो समतल दर्पण प्लेन मिरर, सेकंड मिलता है स्फेरिकल मिरर, इसको हम गोलीय दर्पण कहते हैं। ये आपको थोड़ा सा ज्यादा याद रखना है। जब समतल दर्पण से जो परावर्तन होता है, पहले हम समतल देखेंगे, पहली चीज तो हम रिफ्लेक्शन देख रहे हैं, पहली चीज। अभी हम तक क्या क्या पढ़ा अपन ने, सबसे पहले हमने लाइट पढ़ी, प्रकाश पढ़ा, प्रकाश क्या है, एक तरंग है, ठीक है, तरंग के प्रकार पढ़े। तरंग बेसिकली दो प्रकार की होती है, एक आधार पर यदि हम बात करें तो मैकेनिकल और नॉन मैकेनिकल, एक दूसरे आधार पर यदि हम देखें तो ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल, ठीक है। फिर तो हमने देखा कैरेक्टरिस्टिक, जो विशेषताएं होती हैं प्रकाश की वो देखी, ठीक है। फिर हमने लाइट की स्पीड ऑफ लाइट देखी, ठीक है। स्पीड ऑफ लाइट देखने के बाद हम चले प्रॉपर्टीज की तरफ। प्रॉपर्टीज में हमने देखा सबसे पहले रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन में हमने देखा कि रिफ्लेक्शन दो प्रकार से हो सकता है, एक तो या तो प्लेन मिरर, मतलब जैसे हमारा ये पोडियम आप देख पा रहे हैं, इस पोडियम ये बिल्कुल प्लेन मिरर है, इसमें आकर टकरा जाए, या फिर जो कांच का मेरा ये है, जैसे मेरा ये है, इसको हम किसी ना किसी गोले से काट के लाए होंगे तो इसमें टकरा जाए, तो दो प्रकार से ही रिफ्लेक्शन हो सकता है, या तो इसमें से गल के रिफ्लेक्शन हो या फिर इसमें से लग के रिफ्लेक्शन हो, ठीक है। तो अभी हम पढ़ने वाले हैं यदि कोई समतल दर्पण है, प्लेन मिरर है, तो उससे रिफ्लेक्शन कैसा होगा, उसके क्या प्रॉपर्टीज हो सकती हैं, उससे क्या कैरेक्टरिस्टिक निकलेगा, क्या परिणाम निकलेगा, ये पढ़ेंगे। और उसके बाद हमें देखना है कि गोलीय दर्पण में किस तरह से रिफ्लेक्शन होता है। गोलीय दर्पण में भी हम दो चीजें देखते हैं, एक तो कॉनकेव लेंस, सॉरी कॉनकेव मिरर, और एक देखते हैं कॉन्वेक्स, है ना। तो गोलीय अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में जो रिफ्लेक्शन होता है उसको भी हम देखेंगे। तो यहां से क्वेश्चंस पूछे जाने की संभावना बहुत ज्यादा है, तो इसको बहुत ही अच्छे से रीड करना है आपको। एक और पॉलिश की गई कांच की प्लेट को, यदि कोई कांच की प्लेट है, चौकोर है, जो उसको एक तरफ हम पॉलिश कर दिया जाए, या समतल दर्पण को आपको सीधा सा है अपना मिरर मान के चलना है, जिस मिरर पर आप अपनी जो है वो शक्ल देखते हो, ठीक है। इमेज फॉर्मेशन इन प्लेन मिरर, इमेज फॉर्मेशन के बारे में हम यहां पे आपको हेडिंग है, ये आपको पता नहीं पाए हैं, ये एक्चुअली हेडिंग है, ये क्या है, हेडिंग है, द इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। देखो कभी भी जब भी समतल दर्पण में ये आपको पूछा जाएगा, है ना, याद रखना इसको, है ना। वर्चुअल मतलब होता है, हिंदी भाषा के विद्यार्थी याद रखेंगे, आभासी, और इरेक्ट मतलब होता है सीधा, ठीक है। तो जो प्रतिबिंब बनने वाला है वो कैसा बनेगा, सीधा बनेगा और आभासी बनेगा। द साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, जितना ऑब्जेक्ट होगा उतने ही साइज का जो है वो इमेज बनेगी। द इमेज इज फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे हमेशा, जो मतलब जैसा ये मिरर है, ये आप देख पा रहे होगे, ये हमारा मिरर है, ये क्या है आपका,
मिरर है, हमेशा जो इमेज बनेगी ये बनी है आपकी इमेज मिरर। जैसे ये एम है तो एम से डी दूरी पर ओ खड़ा हुआ है, तो ये डी दूरी पर जो खड़ा हुआ है इतनी ही दूरी पर आपकी इमेज बिल्ट होगी, ये आपको याद रखना है, ठीक है। द इमेज इज फॉर्म एज फॉर बिहाइंड द मिरर एज ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द छवि, दर्पण के उतना ही पीछे बनती है जितना दर्पण के आगे, मतलब जितनी दूरी पर, जैसे डी दूरी पर यदि आप खड़े हुए हो मिरर से तो उतनी ही दूरी पर आपकी जो है इमेज बनेगी, ये आपको याद रखना है। ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है रिफ्लेक्शन ऑफ प्लेन मिरर के, ठीक है। अब आपको दो चीजें और याद रखनी है कि यदि मान के चलो जो प्लेन मिरर है उनको परस्पर दोनों को एक दूसरे पर ऐसा झुका दिया जाए, एक ऐसा प्लेन मिरर है एक ऐसा है, दोनों को मिला दिया जाए, एक रेज यहां से, जब एक रेज आएगी तो यहां आएगी, फिर उसको इसमें लगेगी और फिर वो रिफ्लेक्ट होगी, उसमें क्या होता है प्रतिबिंब जो होते हैं, जो इमेजेस होते हैं उनके नंबर ऑफ इमेजेस बढ़ जाते हैं। तो ये क्वेश्चंस बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि यदि दो समतल दर्पण थीटा डिग्री पर झुके हों तो उनके बीच रखी वस्तु के प्रतिबिंब की संख्या की गणना, कैलकुलेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इमेजेस, नंबर ऑफ इमेजेस ऑफ द है ना ऑब्जेक्ट है ना की गणना निम्न प्रकार से की जाती है। आपको ये फॉर्मूलाज याद रखने हैं। सबसे पहली चीज तो आपको याद ये रखनी है कि मान के चलो ये प्लेन मिरर है और एक ये प्लेन मिरर है, तो इन प्लेन मिरर्स को मैं है ना मान के चलो 45 डिग्री का 90 डिग्री का कोण बन रहा है, एक ऐसा है बिल्कुल एक ऐसा है, तो आपको सबसे पहले तो याद ये रखना है 360 अपॉन थीटा। यदि हम मान के चले कि 90 डिग्री पर उनको रखा गया है तो थीटा की वैल्यू 90 हो जाएगी, एक शून्य से एक शून्य कैंसिल हो जाएगा, 9 चौको 36 तो 4 हमारा आंसर हो जाएगा। अब यही इसमें लिखा हुआ है, पढ़ो। यदि 360 अपॉन थीटा इवन नंबर आता है, मतलब सम संख्या आती है, तो नंबर ऑफ इमेजेस जो होंगे वो होंगे 360 थीटा माइनस 1, मतलब इसमें सब एक जो है वो घटा देंगे यदि जो है ना, तो कितने इमेजेस बनेंगे, 3 बनेंगे। यदि 360 अपॉन थीटा जो है वो ऑड नंबर होता, ऑड नंबर कैसे होगा, होता सर जैसे मान के चलो 360 है ना को आप भाग दिया जाता है 60 के साथ तो कितना आ जाएगा, 6 ही आएगा है ना। मान के चलो 120 डिग्री पर है, कितने पे है, 120 डिग्री पर झुके हुए हैं, तो एक शून्य से एक शून्य कैंसिल हो जाएगा, 12 3 36 3 जो है यदि ऑड नंबर आ गया है तो फिर प्रतिबिंब की संख्या 360 अपॉन थीटा ही होगी, मतलब उसमें ऐसे हमें एक नहीं घटाना है, समझ गए बात के लिए। पहली चीज तो याद ये रखनी, कंडीशन क्या है, कंडीशन है दो समतल दर्पण व्हेन टू प्लेन मिरर्स है ना यदि इंक्लाइंड है थीटा डिग्री पर, इंक्लाइंड है, समझ रहे बात के लिए, तो उस कंडीशन में नंबर ऑफ इमेजेस क्या होंगे वो आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका समतल दर्पण वाला, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हम देखते हैं आपके गोलीय दर्पण से, ठीक है। समतल दर्पण में इतना ही याद रखना है ज्यादा, एक तो प्रॉपर्टीज याद रखनी है, किस तरह की प्रॉपर्टीज रहेंगी, वर्चुअल बनेगा, इरेक्ट बनेगा, क्या साइज का बनेगा, पीछे बनेगा, आगे बनेगा, इस तरह से जो है आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। उसके बाद इनके नंबर्स पूछे जा सकते हैं। और अब हम चले समतल दर्पण से गोलीय स्फेरिकल मिरर की ओर। स्फेरिकल मिरर ऐसा मिरर होता है जिसकी परावर्तक सतह कांच के, ठीक है ये तो हम बता देते हैं आपको, ये कुछ इस तरह से होता है, ये हम इस तरह से मानते हैं कि ये कोई गोला है, गोल कांच है, ठीक है, ये क्या है, कोई गोल कांच है। यदि हम इसको ये वाला भाग तोड़ लेते हैं, ये वाला भाग क्या कर लेते हैं, तोड़ लेते हैं, तो ये बन जाएगा आपका कॉनकेव मिरर है ना, और ये वाला भाग तोड़ के, ये जो हमने तोड़ा है उसके बाहर यदि हम पॉलिश कर देते हैं तो ये बन जाता है आपका अवतल दर्पण कॉनकेव मिरर। और यदि हम गोलीय दर्पण का ये वाला भाग निकाल लेते हैं, मतलब ये वाला, और इसके अंदर ही पॉलिश कर लेते हैं तो उसको हम कहते हैं कॉनवेक्स मिरर, जिसको हम उत्तल दर्पण कहते हैं। तो जो स्फेरिकल मिरर होता है वो दो प्रकार का होता है, कॉनकेव और कॉनवेक्स, दोनों की अलग अलग कंडीशन है जो कि एग्जामिनर लगातार एग्जाम में एग्जामिन करता है, तो आपको याद रखना है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नहीं है ये, है ना, अभी हमने बस ये देखा है कि गोलीय दर्पण ऐसा होता है, एक गोला होता है ना, दो प्रकार के होते हैं, एक अवतल दर्पण होता है और एक उत्तल दर्पण होता है। गोलीय दर्पण से संबंधित अब कुछ शब्द हैं जो हम बार बार यूज करेंगे जब कंडीशन बनेगी,
तो हमें ये बेसिक जो है आपको याद रख लेना है, ये आपको हमेशा काम में आएगा। और ये पूछा गया क्वेश्चन है बीपीएससी एई 2020 क्वेश्चन नंबर 17 या 18, देख लेना अच्छे से उसको एक बार। पूछा गया था कि कॉनकेव मिरर में कब जो इमेज है वो वस्तु से बड़ी बनती है, समझ रहे ना। तो ये छह कंडीशंस हमें देखने को मिलती हैं, ये छह के छह कंडीशंस आपसे एग्जामिनर पूछता है। तो अभी हम कुछ चीजें बताएंगे आपको, जैसे पोल क्या होता है। जैसे हम ये मान के चलते गोली दर्पण के, देखो क्या होता है, जैसे हमने ये मान का ये क्या है आपका कॉनकेव मिरर है, अवतल दर्पण है, ये किसी ना किसी किससे काटा गया होगा, किसी ना किसी गोले से काटा गया होगा। तो इसका जो सेंटर पॉइंट है, देखो इस गोले को सेंटर पॉइंट होगा, उसको कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। उसको क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर जाकर उसमें जहां मिलता है उसको पी कहते हैं, मतलब ये जो लाइन है कॉनकेव मिरर की उसको हम पोल कहते हैं, ठीक है। और इन दोनों के हाफ में जो चीज होती है उसको अपन फोकस कहते हैं। इतनी चीजें बस हम आपको बताना चाह रहे हैं, है ना, जो इसको हम पी से दर्शाते हैं। आप कहेंगे तो हम इसको इंग्लिश में भी आपको प्रोवाइड करवा देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, है ना। जो स्फेरिकल मिरर होता है, उस स्फेरिकल जो स्फेरिकल मिरर होता है उसका जो सेंटर होता है उसको सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। और इसमें से जो हमने काट लिया है इसको कॉनकेव मिरर को, इसका जो सेंटर होता है उसको पोल कहते हैं। इन दोनों के बीच जो है वो आपको फोकस देखने को मिलता है, ठीक है। तो ध्रुव हो गया, पोल हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, और ये जो आप बन रही है बीच में इसको प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं, ठीक है। तो ये चार पांच चीजें हमें याद रख लेनी है। कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर में क्या होता है, रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट टेक प्लेस एट कॉनकेव सरफेस, और यहां पर थोड़ा सा अलग अलग होता है, ठीक है, उल्टा होता है, बस यही इसमें मेन अंतर है। अब चूंकि हम पढ़ेंगे अवतल दर्पण, आज हम केवल कॉनकेव मिरर के बारे में ही पढ़ेंगे, तो हम इसको थोड़ा डिटेल में देखेंगे। कॉनकेव मिरर के उपयोग कहाँ कहाँ होते हैं ये बहुत पूछा जाता है। टॉर्च जो हम जलाते हैं रात में, जनरली अब नहीं यूज होती है ना। वाहनों की हेडलाइट मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना, जो हेडलाइट होती है उसमें है ना कॉनकेव मिरर का ही यूज किया जाता है। शेविंग, शेविंग की जो मिरर होते हैं उसमें जो डेंटिस्ट होते हैं, ये सीधा पूछा जाता है डेंटिस्ट के द्वारा उपयोग किया जाने वाला कौन सा मिरर है, वो है आपका अवतल दर्पण। और सौर ऊर्जा के क्षेत्र में सौर भट्टी को गर्म करने में, या सीधा सा है सोलर कुकर में जो यूज किया जाता है वो कॉनकेव मिरर ही होता है, ठीक है। कॉनकेव मिरर के बारे में हम बात करते हैं, तो कॉनकेव मिरर की छह कंडीशंस होती हैं जिसमें इमेज बिल्ट होती है। इसको आपको थोड़ा सा अच्छे से देखना है, ठीक है। अभी हमने क्या देखा कि देखो सबसे पहले आपने गोलीय दर्पण, एक गोले का कोई एक भाग होता है, ठीक है, दो प्रकार का होता है, एक कॉनकेव और एक कॉन्वेक्स, है ना। गोलीय दर्पण संबंधित कुछ महत्वपूर्ण शब्दावलियां हैं, कुछ टर्म्स हैं जो हमने आपको बता दी हैं। फिर हमने कॉनकेव दर्पण देख लिया कि ये जो है बाहर कोटिंग होती है जहां, वो होता है कॉनकेव, जहां अंदर कोटिंग होती है वो होता है कॉन्वेक्स, ठीक है। तो अब हम पढ़ते हैं कंडीशंस के बारे में, वो छह कंडीशंस जो आपको एग्जामिनर लगातार पूछता है। सबसे पहली कंडीशन है, अब ये बहुत कंफ्यूज होता है बच्चा इसमें, लेकिन हम आपसे यही कहेंगे कि आप एक बार ही इसको बहुत अच्छे से रीड कर लेंगे तो आप जीवन में कभी नहीं भूलेंगे। ये याद रखना है कि जैसे ये हमारा कॉनकेव मिरर है, ये हमारा जो है दर्पण है, जो ऑब्जेक्ट है, जो वस्तु है, वो जैसे जैसे पास में आएगी, है ना, उतने दूर दूर जो है आपका वो है क्या बनना बनता जाएगा, प्रतिबिंब जो है बनता जाएगा, जो है इमेज जो है बनती जाएगी। ऑब्जेक्ट जैसे जैसे मिरर के पास आएगा तो इमेज जो है वो दूर जाती जाएगी। ये कॉन्सेप्ट यदि आप याद रखते हो तो आपको कभी भी कोई गलती नहीं होगी। इसके उल्टा भी चलता है कि जैसे आप जो है ऑब्जेक्ट को दूर ले जाएंगे और आपका जो इमेज है वो पास बनती जाएगी। इसको प्रैक्टिकल करेंगे इस तरह से, जब वस्तु जो ऑब्जेक्ट है, देखो ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, इन्फिनिटी पर है, इन्फिनिटी मतलब अनंत से कोई दो रेज आती हैं, है ना, दोनों रेज जो है वो क्या करेंगी, फोकस से गुजरेंगी, और जब फोकस से गुजरेंगी
तो जो आपकी इमेज बनेगी वो बनेगी ए डैश बी डैश, ठीक है, ये ए है और ए डैश बी डैश जो बनेगी आपकी इमेज। पहली चीज तो आपको याद रखना है कि इमेज बननी कहाँ है, ठीक है। दो तीन चीजें यहां पर याद रखनी है कि जब वस्तु अनंत से आती है तो इमेज फोकस पर बनती है, कहां बनती है, फोकस पर, ठीक है, वास्तविक बनती है और उल्टी। अच्छा, जब भी इमेज उल्टी बनेगी तो 99% चांस है कि वो जो है रियल होगी, ठीक है, और वस्तु से बहुत छोटी, क्योंकि अनंत से बहुत सारी किरणें आ रही हैं और फोकस को जो कि बन रहा है तो बहुत छोटा जो है वो इमेज बनेगी। सेकंड कंडीशन के बारे में यदि हम बात करते हैं तो सेकंड कंडीशन है जब ऑब्जेक्ट हमने रखा है, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर मतलब ये उस गोले का सेंटर है जिस गोले से काटकर हमने इस मिरर को बनाया है। तो जब इस सेंटर ऑफ कर्वेचर और अनंत के, है ना, इन्फिनिटी के बीच में हम ऑब्जेक्ट रख देते हैं तो एक किरण यहां से जाती है जो मिरर से टकरा कर फोकस से होकर गुजरेगी और एक किरण जो है सीधा सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर अपने वापस माध्यम में लौट जाएगी और ये दोनों जहां मिलेंगी वहां पर इमेज का निर्माण होगा और वो इमेज होगी ए डैश बी डैश। तो पहले अनंत पर था, समझना, ऑब्जेक्ट, ठीक है, तो फिर कहां बनी थी इमेज, फोकस पर, और अब पास आ गया मतलब अनंत और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में आ गया ऑब्जेक्ट, तो फिर इमेज भी हल्की सी पीछे चली गई मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में, ठीक है। अब जब वस्तु सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही आ गई है, सी पर ही आ गई है, यदि आपको ये थोड़ा सा कम समझ में आ रहा है तो आप वीडियो को एक बार फिर से देखोगे तो आराम से ये समझ में आ जाएगा। सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखी जाती है वस्तु, देखो यहां पर देखो, यदि वस्तु अनंत से आ रही है तो फोकस पर बन रहा है ना, उसके बाद जब हमने यहां पर रख दिया सेंटर ऑफ कर्वेचर और इन्फिनिटी के बीच में तो मिरर भी कहां, जो इमेज है वो भी कहां आ गई, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में। अब जब हम वस्तु को सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही रख रहे हैं तो प्रतिबिंब भी हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बनेगा, मतलब जैसे जैसे हम ऑब्जेक्ट को पास ला रहे हैं इमेज हमारी हल्की हल्की सी दूर जाती जा रही है, ठीक है। ये अपन को याद रखना है, वक्रता केंद्र पर जब रखते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखते हैं तो प्रतिबिंब भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर बनता है, वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है और वस्तु के बराबर बनता है। सबसे इंपॉर्टेंट यदि आप हमसे पूछोगे सर इन 6 में से सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन कौन सी है, तो वो यही है, ठीक है। अब जब वस्तु को फोकस और वक्रता केंद्र पर रखते हैं तो उल्टा बनता है और वस्तु से बड़ा बनता है, तो ये है। अभी हम सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखे थे, अब हमने सेंटर कर्वेचर और, है ना, फोकस पर रख दिया तो वस्तु कहां बनने लगी, अनंत मतलब इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में, है ना, अभी भी उल्टा है और रियल है, लेकिन अब हमने रख दी है फोकस पर ही। अब हमने कहां रख दी है, फोकस पर रख दी है, यदि फोकस पर रखेंगे तो इमेज बनने लगेगी इन्फिनिटी पर। ये आपको याद रखना है कि जब हमने ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी से लाए थे, जब वस्तु इन्फिनिटी से आ रही थी तो इमेज बनी थी फोकस पर, ठीक है, और जब हमने इन्फिनिटी से फोकस पर वस्तु को रखा है तो इन्फिनिटी अनंत पर जो है वो क्या बन रहा है, ऑब्जेक्ट और इमेज जो है बन रही है। ये पूछा गया था आपसे बीपीएससी एई 2020 में, ये वाली कंडीशन जो है आपसे पूछी गई थी, ठीक है। तो जब एक वस्तु को अवतल दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच में रखा जाता है, मतलब अब हमने वस्तु को रख दिया है फोकस और पोल के बीच में, तो फिर हम जो है जो मिरर जो इमेज बनने लगती है वो बनने लगती है कौन कॉनकेव के भी पीछे, मतलब दर्पण के पीछे, मिरर के पीछे बनने लगती है, यही हमसे पूछा गया था। और चूंकि पीछे बन रही है इसलिए वर्चुअली बनेगी और फिर सीधा बनेगी, ठीक है, वस्तु से बड़ी बनेगी। तो ये 6 कंडीशंस जो हैं ये आपसे लगातार पूछी जाती हैं, तो इनके बारे में आपको याद रखना है। अब अगला लेक्चर जब हम लेके आएंगे तो हम पढ़ेंगे कॉन्वेक्स में क्या होता है, ये तो कॉनकेव मिरर हो गया, और उसको हम एक बार फिर से आपको अच्छे से एक बार बता देंगे, और भी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। देखो यहां से एक बार और समझ लो, जब वस्तु अनंत पर थी यहां से आ रही थी तो फिर फोकस पर बन रहा था इमेज बनी, फिर हमने वस्तु को रखा इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में तो फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस में बीच में बना इमेज,
फिर हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही वस्तु को रख दिया, तो इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में बनी। फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रख दी ऑब्जेक्ट को, तो फिर अनंत में बनने लगा, नहीं अनंत और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में बनने लगा ऑब्जेक्ट। फिर हमने जब फोकस पर ही रखा तो फिर अनंत में बनने लगा, तो जब फोकस और पोल के बीच में हमने वस्तु को रखा तो इमेज मिरर के पीछे बनने लगी। ठीक है, तो ये 6 कंडीशंस हैं। ठीक है, आपको थोड़ा सा एक बार आपको दिमाग लगाना है, आप एक दो बार और वीडियो को रिपीट करके देखते हैं तो आपको वाकई समझ में आएगा, यदि नहीं आता है तो फिर भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले लेक्चर में।